यहाँ पे, और आई वॉन्ट टू बी थैंकफुल टू एवरीबॉडी दैट हैज कम, और मेरे लिए, मेरे ग्रुप के लिए आप बहुत अजीम हैं, आप हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, और 6-7 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, तो उसकी मैं कदर करता हूँ। और ख्वाहिशमंद ये हूँ कि आने वाले वक्त में आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर प्रॉफिट्स आएँ। और बेट किया वहाँ पे, मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे एक बहुत ही अच्छा बलोच दोस्त मिला, सेनेटर बाबर, वो आज भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं मेरे पास। इनका मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी को कसें और पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा सोचें और अपनी ईगो, अपने छोटे छोटे मफाद को फिलहाल साइड में रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अनकरीब पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत है, जो मेरा ख्याल है होगी, और रास्ता कोई नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस, इस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ नहीं सकती, ना वो लड़ाई कोई जीत सकता है, वो नुकसान मुल्क का ही होगा। तो मैं दुआगूं, आपको भी कहता हूँ आप दुआ मांगें, क्योंकि अब हमें दवा की भी ज़रूरत है। और बाकी बड़ा मुल्क है, 23-24 करोड़ आवाम है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसे मौके पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकलती हैं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ थी, उसके बाद अब नई अपॉर्चुनिटीज़, पॉजिटिव देखना चाहिए। और आपस की पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी और आपस की लड़ाई को साइड में करना चाहिए और आगे चलना चाहिए। परेशान है, हम सब शर्मिंदा हैं कि हुआ क्यों, और मैं ये कहूँगा कि इस पे जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो जिम्मेवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बट जो बेगुनाह पकड़े हुए हैं, 10-12 हज़ार बंदा, जिनमें स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, इनको जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए, और जिसका कसूर है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में मैंने कभी इस तरह की डिप्रेशन नहीं देखी। मैं 65 वॉर में भी, मुझे याद है, मैं लाहौर में ही था, पाकिस्तानी परेशान थे, घबराए हुए थे, बट किस्मत की यूथ पॉपुलेशन 60-65% है, जो 20-22-25 साल के हैं, इतनी जरूरी होती है इस उम्र में, और काबिल लोग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बट बदकिस्मती से पिछले 2 साल में फिगर कोट होता है कि 9 लाख पाकिस्तानी बाहर चले गए। इसको अभी भी रोकिए, पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, बट उनको कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक माहौल दें, और जो मैं समझता हूँ होना चाहिए। एक चीज़ याद रखें, जब बुरा वक्त आता है तो बंदा बहुत परेशान होता है, और उस बुरे वक्त को लेकर समझता है इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त आएगा और इससे भी बुरा वक्त आएगा, ये होता नहीं है। जब टाइम कुछ गुजरता है, 2-4 साल गुजरते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जो बुरे वक्त को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए कि चाइना को हमारी और ज़रूरत पड़ जाए, आपका वक्त बदल जाता है, आपका कई अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, वक्त बदल जाता है। हम अभी तक इंडिया के साथ घबराते रहे, इंडिया के साथ मुकाबला करते रहे, आजकल मैं देख रहा हूँ इंडिया बहुत आगे चले गया है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और अब इंडिया हमारी तरफ नहीं देख रहा दुश्मनी में, वो चाइना की तैयारी कर रहा है, चाइना को देख रहा है। इसके लिए हमें इंडिया से सांस मिला हुआ है, और पाकिस्तान का
टूटना जो है मैं नहीं यकीन करता कि पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान कटाई रहेगा, बिकॉज किसी मुल्क का इस वक्त इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा बुरे हाल में जाए, ना अमेरिका का है, ना चाइना का है, ना इंडिया का है। हमारी प्रॉब्लम विद इन है, हमारी अपनी प्रॉब्लम है जो हमने खुद सॉल्व करनी है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है अगर हमारे जो पावर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो हुकूमत में हैं या हुकूमत में उनका असर है, अगर वो सीरियस हो के अपनी जगह पे पाकिस्तान का सोचें और करें। और मेरा ख्याल है वो स्टेज आ गई है जहाँ पे सब ने रियलाइज कर लिया है कि और जंग आपस में नहीं हो सकती और ये खुद सब हारेंगे अगर ये जंग चलेगी। दुआ हो ये तकरीबन।